भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। शिशुपाल को इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा, यह लाठी यानी कि मैं तेरा पिता, और यह किताब यानी ये भीमराव। अब चुनाव तुझे करना है, तेरे पिता या ये भीमराव। आगे बढ़ाओ और चुनो। मेघनाथ जी, बेटा है ना ये आपका? बेटे से बाप का संबंध होता है, बाप बेटों के बीच चुनाव की बात कहां से आ गई? भीमराव, तुम बस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखो। अब शिशुपाल के पास बस चुनने का विकल्प है, चुनो शिशुपाल। जा चुन ले विकल्प, पर विकल्प चुनने से पहले यह अच्छे से समझ ले कि इस लाठी की तरफ तेरे पिता, ये घर, ये जमीन जायदाद, हमारा समाज, हमारी परंपराएं और एक सुनहरा भविष्य है। और इस किताब की तरफ बेघर, बेदखली, समाज का विरोध, अकेलापन और उस भीमराव की तरह दर दर भटकती जिंदगी। अब फैसला तुझे करना है। कैसी बातें कर रहे हैं आप मेघनाथ जी? सही बोल रहा हूं भीमराव, एकदम सही बोल रहा हूं मैं। हमारी मान्यताओं का विरोध करने वाले के साथ ऐसे ही बात करनी चाहिए। शिशुपाल, आगे बढ़ाओ और चुनो विकल्प। शिशुपाल, ध्यान रहे, ये चुनाव तुम्हारा भविष्य तय करेगा। और तुम्हारा ही क्यों, ये जिसे तुम अपनी पत्नी मान चुके हो ना, उसका भी भविष्य। और अगर कल को इससे कोई बच्चा हुआ तो उसका भी भविष्य। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेना। चुनो विकल्प
ये लाठी या वो किथा। पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। राम जी भाऊ पता चल जाएगा। हाँ तो खड़े रहो ऐसे। हम लोगों का कौनो अपन सिर फुटा में खिलाने आगे नहीं बढ़ना, लेकिन भीमराव का मेघनाथ जी मार वार के भेज देंगे ना, तब समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जोखू भाऊ। क्यों नहीं होगा है? भीम कभी ना कभी तो हारेगा, और हारेगा तो ऊंचे लोग मारकर क्यों नहीं भिजवा देंगे? इससे पहले भी तो हमारे लोगों की लाशें भिजवाई थी ना उन लोगों ने है? पहले क्या हुआ पता नहीं। मेरे पति के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पति हार या जीत के लिए कुछ करते ही नहीं है, और ना ही वो हार या जीत के हिस्से में बट जाने के लिए बोले। मेरे पति तो विचारों की वो लकीर है जिसके एक तरफ जीती हुई मानवता है और दूसरी तरफ एक ऐसा समाज है जहाँ झूठ की ऐठन और बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। बस अब लोगों को चुनना है कि वो भीमराव अंबेडकर के विचारों के उस तरफ है या इस तरफ। शिशुपाल तुम्हें जो भी विकल्प चुनना है, पर ये समझ लेना ये बड़े बड़े ज्ञान की बातें करना या एक दो घंटे के लिए अलग होना बहुत अलग बात है, पर पूरे जीवन के लिए कुछ चुनना अलग बात। मैं भी देखना चाहता हूं कि तू क्या चुनता है, और मैं ही क्या मेरे साथ ये पूरा समाज देखना चाहता है कि तुम अपने पिता अपने समाज को चुनते हो या फिर मेरे सामने खड़े भीमराव को।
इस किताब को उठाने से पहले मेरे हाथ कांपने लगे, शायद इसलिए कि जब तक लाठी किताब के पास हो तो उस किताब को उठाने का कोई मतलब नहीं है। जब लाठी टूट गई तो किताब को उठा पाया और इसे स्वीकार कर पाया। इस किताब से कुछ नहीं मिलेगा शिशुपाल। सेठ जी, पता नहीं इस किताब में ऐसा क्या है जो भीमराव इसके लिए पागल रहता है। मेरी पत्नी इसकी तारीफ करती है, मगर अब कोशिश करूंगा इस किताब को समझने की, इसकी ताकत जानने की। तूने इस किताब को विकल्प चुनाना ठीक है, तुम मेरा भी फैसला सुन ले। मैं मेघनाथ अपने समाज के सामने तुझे अपने घर अपनी जमीन जायदाद से बेदखल करता हूं। निकल जा यहां से लेकर। निकालो यहां से, निकालो। रुकिए रुकिए रुकिए, ये सब मत कीजिए मेघनाथ जी। अब भी मौका शिशुपाल, इस किताब को फाड़ कर फेंक दो। पापा है तुम्हारे, माफ कर देंगे। ऐसा है सेठ जी, जीवन में पहली बार किसी एक चीज का अपनी मर्जी से चुनाव कर पाया हूं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। आज से मेरे लिए मर गए तुम दोनों, अभी इसी समय निकल जाओ यहां से। कहीं नहीं जाएंगे हम। अरे रोको इसे, घर में ना जाने पाए। आ रहा हूं बाहर,
लेकिन अंदर जाने से मत रोकना। मत भूलो कि मैं कौन हूं। मेरी ताकत का उदाहरण देते थे ना तुम सब, तो आज आज दिखा दूंगा कितनी ताकत, वो भी चार चार हड्डियां तोड़कर। सुनिए, रुको श्यामला, मत रोको उन्हें, और भरोसा रखो कि आज वो जो करेंगे वो सही करेंगे, क्योंकि अभी अभी वो लाठी तोड़कर किताब हाथ में लेकर अंदर गए। हाँ हाँ, तुम आराम से रहो, मैं भी देखना चाहता हूं ये शिशुपाल क्या क्या नाटक करता है आज, कितना और कब तक करता है।